की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम पनीर मिक्स वेज पराठा बना रहे हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए हम ये बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ले लिए हैं, एकदम बारीक कटी हुई है, और एकदम बारीक कटी हुई गाजर, एकदम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और एकदम बारीक कटी हुई प्याज, और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और ये ग्रेट किया हुआ पनीर, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक, और ये आलू मैंने उबाल के छील के मैश कर लिया है, और ये आटा और तेल। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं, उसके लिए हम ये दो चम्मच के हिसाब से तेल डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, और इसका सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं। ये हमारा सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार है। अब इसको हम साफ कपड़े से ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक स्टफिंग बना लेते हैं। अब हम ये एक बाउल में पत्ता गोभी डालते हैं, ये सारी सब्जियां एक में डाल देते हैं पूरी। अब हम ये डालते हैं आलू, पनीर, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, जीरा, अमचूर पाउडर, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का दरदरा पेस्ट। अब हम इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमने सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स कर ली है, अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये आटा हमारा अभी सेट हो चुका है, इसको हम निकाल के थोड़ा मसल लेते हैं अच्छे से। अब इसकी लोइयां बनाते हैं। ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी, देख लो उठाते हैं, इसको गोल करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं, थोड़ा सा इसको बेल लेते हैं, किनारे से बेलना है, बीच में नहीं बेलना है। स्टफिंग भरते हैं, अब इसको ऐसे फोल्ड करते हैं ऐसे, इसको ऐसे दबाते हैं, फिर से सूखा आटा लगाते हैं। अब इसको मोटा मोटा बेल लेते हैं, धीरे धीरे बेलना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना इसमें। ये हमने बेल लिया, इतना मोटा है ये। अब इसको हम तवा में डालते हैं, गर्म हो चुका है, लो टू मीडियम में रखा हमने तवा को। अब इसको हम पलट देते हैं, अब इसमें तेल लगाते हैं, गैस को तेज नहीं करना है, लो टू मीडियम में ही करना है। इसको हम इस साइड से पलट देते हैं, इधर से तेल लगाते हैं, इसको हम इस तरह दबा दबा के सेकेंगे पलट पलट के। ये हमारा पराठा बन चुका है,
इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे। ये देखिए हमारा पनीर मिक्स वेज पराठा बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और आप भी बनाइएगा खाइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो बिमला की रसोई में अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।